नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के भान तलैया इलाके में अज्ञात चोरों ने तकरीबन आधा दर्जन दुकानदारों की दुकानों की छत तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हद तो तब हो गई जब पीड़ित स्थानीय हनुमान थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो पुलिसकर्मी पीड़ितों से ही बदतमीजी से बात करने लगे। पीड़ित दुकानदारों ने बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। बताया जाता है कि दुकानदार के सीलिंग पर टीन शेड की छत है। इन्हीं दुकान की टीन शेड को तोड़कर चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरों ने बड़ी ही सफाई से छत की सीलिंग को तोड़ा और दुकान के भीतर जाकर नकदी ले उड़े। चोरों की घटना के बाद से अन्य दुकानदारों के मन में भय का माहौल है। पीड़ित लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कल पैदा हम लोग को इसको रोकने चला जाता और जो आदमी इतने औजारों से लैस है वो उसको जीवित नहीं करता। आप सोचे जीवन मरण की बात आ जाती है। चोरी की स्थिति चोरी की नहीं रह गई। चोरी हो चुकी है। लेकिन पिछले बार भी उसी जगह से जहाँ से आज कटा है वहीं से काट लिया। जी भैया बताएं थाने आज से क्या मामला। मेरा नाम अंशु कनौजिया है। मेरे मेडिकल प्रतिष्ठान है संजीवनी मेडिकल्स भानतलैया मेन रोड पे है और यहाँ पे चोरों का इतना साहस बढ़ गया है कि इन्होंने मेरी दुकान के साथ में जो और जुड़ी दुकान जुड़ी हुई है उसमें भी ऊपर शीट काट के पूरी चोरी कर ली। और यहाँ पे हम जब सुबह पुलिस प्रशासन आया तब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस द्वारा हमारे साथ गाली गलौज की गई। हमको मतलब मुजरिम समझा जा रहा है और हम पीड़ित व्यक्ति हैं। हम लोग धंधा करने वाले हैं। हम लोग छोटा छोटा पैसा जोड़ के पैसा इकट्ठा करते हैं और लाखों रुपए की चोरी हो जाती है एक साथ में और इसके कोई जिम्मेदार कोई पुलिस प्रशासन नहीं लेता है। पिछली बार भी मेरी दुकान से चोरी हो चुकी थी लेकिन वहाँ भी पुलिस ने किसी भी एक संदेही व्यक्ति को मेरे सामने समक्ष पेश नहीं किया कि भाई आप इसको देख लो इसने चोरी किया होगा। और उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस को दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया ये जाता था कि आप केस वापस ले लो FIR वापस ले लो। इनको काम नहीं करना है, इनको बस FIR वापस लेने के लिए ज़्यादा उत्सुकता रहती है। साहब ऐसा चलेगा तो एक जो आम व्यवसायी है तो वो कैसे काम करेगा। बहुत हम सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, सेफ्टी फील नहीं कर रहे हम। अभी TI साहब के पास है, क्या होता है? TI साहब ने हमको प्रॉमिस किया है सब चीज़ों को लेके कि हम देखते हैं समझते हैं। लेकिन सर मतलब ये है कि एक बार और हो चुका है ये घटना और पुलिस का इतने चोर का इतना साहस हो गया कि उसने चार दुकानों में एक साथ चोरी कर ली। तो इतना साहस कि उसने पूरी रात बैठ के आराम से चोरी करी है तो आप ये समझ सकते हैं और वो भी मेन रोड की दुकान में। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना संरक्षण प्राप्त है और कितना बेखौफ है। मेरी दुकान से तो करीब करीब 1.5 लाख रुपये की चोरी हुई है और एक मेरा लैपटॉप उसमें नहीं दिख रहा है और अन्य सामान भी मैं देखूंगा वहाँ पे कि क्या क्या उसमें गायब है। और जो दूसरी दुकानें भी हैं वहाँ पे भी उनको बहुत क्षति पहुँची है और जो जितनी भी जान और जो हानि हुई है तो और वो बता पाएंगे दूसरे दुकानदार। आपका हिमांशु कनौजिया, मेरी मेडिकल शॉप है। मैं डॉक्टर सौरभ खरे खरी डेंटल क्लिनिक घमापुर का संचालक। कल रात आज सुबह मुझे खबर पता चली अपने मकान मालिक द्वारा कि यहाँ पर आपके क्लिनिक में सीलिंग काट कर चोरी की कोशिश की गई है। मैं आया भागा देखा कि यहाँ पर पूरी सीलिंग, जैसे आप देखें पूरी सीलिंग टूटी हुई है। अंदर मेरी ड्रॉ में मेरे 20,000 रुपये कैश रखा हुआ था क्लिनिक का, वो चोरी करके ले गए हैं। लाइट चोरी करके ले गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या सामान की चोरी हुई है। इसी तरीके से और भी आजूबाजू सब दुकानों में चोरी की गई है। तो कितनी दुकानों में हुई है? ये 4 से 5 दुकानों में हुई लगातार चोरी। दवाई की दुकान में हुई है, बाजू में किराने की दुकान है, 2 दुकान और में भी चोरी हुई है उसमें। सर कौन सी जगह है, कहाँ पर? ये भानतले के आगे मथुरा सेट का मार्केट कहलाता है, वहाँ पर चोरी हुई है। आपकी मंडी का नाम? डॉक्टर सौरभ खरे। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।